यही हम बात कर रहे हैं कि धर्म जो आपने बताया कि 1% भी होता है तो काफ़ी होता है, इससे बहुत सारे चलन हो जाते हैं, लेकिन धर्म की जो संख्या अगर देखी जाए या किसी भी धर्म की बात करें या संस्कारों की बात करें, इसमें तो सारी चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि लोग केवल स्वार्थी स्वार्थी नजर आते हैं। धर्म गुण तत्व को ही कहा जाता है, जैसे प्रभु का धर्म है हमारा सबका पालन करना, हमारा धर्म भी तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे प्रभु का धर्म है सब पर करुणा करना, हमारा भी तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे भगवान का धर्म है सब पर कृपा करना, हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान का धर्म है शरणागति देना, हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। भगवान का धर्म है संसार के सबसे बड़े पापी को भी शरण देना, और जो अनन्य भाव से उसकी शरण में आ जाए उसको ग्रहण कर लेना और अपना बना लेना। तो हमें वही तो धर्म ग्रहण करना पड़ेगा जो भगवान का धर्म है। आखिरकार तो हम उसी ऐश्वर्य से उत्पन्न है, भगवान के ही ऐश्वर्य से हम उत्पन्न है, इसलिए हम आत्मा है और हम जीवात्मा है। ठीक है, और ये कहें कि जीव भूत भी हैं। हाँ, भूत जीव जीव भूत की बात जो बात आपने कही वो तो हमने बहुत बार सुना, आपने बहुत अच्छा बताया कि कृष्ण भगवान ने कहा है, लेकिन यहीं पर हम बात करें अगर प्रेत की, तो इतने सारे प्रेत, इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर धाम पर, मैं देखता हूँ हजारों की संख्या में रोजाना लोग पहुँचते हैं, ना जाने कितनी कितनी जगह लोग भटकते हैं इन प्रेतों को लेकर। अगर इतना भाव और इतना धर्म, इतना लोगों के अंदर ऊर्जा होती भगवान को याद करने की, तो क्या ये प्रेत बनते? ये प्रथमता चाहिए। प्रेत ना बनते ऐसा कदापि नहीं हुआ। हरिवंश पुराण में प्रेत का जिक्र है, हमारे पुरातन जितने भी ऋषि हुए हैं सबने प्रेतों के बारे में कुछ ना कुछ बताया हुआ है। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों के अंदर 12 पुराण अंतर्गत जो है प्रेतों की बातें बताई गई हैं। हमारे बहुत सारे उपनिषदों में कईयों में प्रेत की बात बताई गई है। तो ऐसा नहीं था प्रेत कदापि नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी संख्याएँ कम थी, कलयुग में उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। अभी आप देखें, तब जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत की जनसंख्या कितनी थी बताइए जरा, तब चीन की जनसंख्या कितनी थी, आज भारत की जनसंख्या कितनी है, आज चीन की जनसंख्या कितनी है? करोड़ों में है। हाँ, तो फिर और पहले कितनी थी? मुझे लगता नहीं, जब आज़ादी का समय हुआ था तब कितने 8-10 करोड़ लोग थे, आज कितने करोड़ लोग हैं? 150 करोड़ हो रहे हैं। 150 करोड़ हो रहे हैं। फिर तब पाकिस्तान की क्या जनसंख्या रही थी? लाखों में थी। आज कितनी है? करोड़ों में है, ज़्यादा नहीं है, 20-25 करोड़ है। फिर भी हुए ना, तो ये कितनी संख्या एकदम से बढ़ गई ये देखिए। तब फिर उनके लिए खाद्यान्न उपजाना पड़ेगा, सारे 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 सब कुछ उपजाना पड़ेगा, और जब इतने सारे लोग होंगे तो उनके मत भी अलग अलग होंगे, वो उन मत को संप्रदायों को धर्म में विभक्त करेंगे, वो कहेंगे नहीं हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है, वो इसके लिए लोगों को काट काट खाएंगे, अपने में मिलाएंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे अपने धर्मों का, और अपने अंदर उनको क्या कहते हैं भरने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने ही मत से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। दलित कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। दलित कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। वो दलित भी तो नहीं है, दलित कौन कहता है उसको, वो तो हरिजन है, हरि का जन है, भगवान का है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब भगवान के, मैं भी हरिजन हूँ। ठीक है, और अगर कोई कहता है मैं भंगी हूँ तो भंगी तो मैं भी हूँ, मैंने भी भगवान को अंगीकार किया। कोई कहता है मैं वाल्मीकि हूँ, वाल्मीकि मैं भी हूँ, मैंने भी भगवान राम को हृदय में रखा है। ये मुद्दे आजकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा उठते जा रहे हैं, ये उठाते जा रहे हैं लोग, ये तो राजनीति है। बात तो पूरे दिन में वैश्य और शूद्र की हो रही है, तो मनु भैया जब 125 रुपये का उतारा करते हैं, ये रहा 125 रुपया, तब वैश्य होते हैं। ठीक है, जब आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं शरीर से, पूरा दिन मेहनत करते हैं, तब शूद्र होते हैं। ठीक है, और जब ब्रह्म की और भगवान की बातें बताते हैं तब ब्राह्मण होते हैं। अगर इन्हीं सारी चीज़ों को हर आदमी मान ले तो फिर ये धर्म का रोना कैसा और ये जाति का रोना कैसा? जाति का रोना, वोट का रोना है, केवल आपको ऊंचा पद मिले, सबको मान्यताएं खा गई है। ठीक है, आज का जो हरिजन है अगर उसको 10-15% छूट मिल रही है, वो उसको खोना चाहता है। हम तो चाहते हैं, वो तो समाज में पहले से ही है, आज कोई पूछ नहीं रहा अगर किसी रेहड़ी पे पटरी पे खड़े होके और किसी उसमें जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, कार्यालय में जा रहा है कि आप कौन है। अब सबके सब दोस्त हैं, अब जाति देख के दोस्ती नहीं हो रही है, पहले हो रही थी तो छोड़ दिया, उस टाइम लोग हानि में थे, लेकिन आज तो लाभ में है। और फिर जो आपको 15% लाभ मिल रहे हैं आपको बराबर रख दिया जाए, मैं तो कहता हूँ सबको ब्राह्मणों के बराबर रख दिया जाए और सबके वो छीन लिए जाएं जो उनको वो मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, आरक्षण और सब्सिडी मिल रही है, तो सबको बराबर कर दो भाई। ठीक है, सबको योग्यता के अनुकूल सब कुछ मिले, यही राजनीति होनी चाहिए। राजनीति ये नहीं होनी चाहिए तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, छोटे बड़े की क्या राजनीति होती है, राजनीति ये होनी चाहिए सब समान है और सबको समान जो है फल मिलेगा। तब आज आप सभी को समानता की नजर से देखते हैं, और आज, पहले से, आज, भगवान भी सबको समानता की नजर आज से देश देखते में राजनीतिक राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बिल्कुल कई हिस्सों में इंसान बट चुका है। अगर ये राजनीति अगर आपके हिसाब से हो तो किस प्रकार की हो?
राजनीति तो हमारे हिसाब से इसी प्रकार की होगी, सबको समान रख के, और जो जितने का अधिकारी है वो उतना काम करे। और कोई कुछ खोज करना चाहता है, भारत में तो पहले तो किसी ने कोई खोज की नहीं है, ठीक है, जो खोज करना चाहते हैं वो मेरी तरह पर तोड़ के बैठ जाते हैं, उनके टंगड़ियाँ टूट जाती हैं, पैर टूट जाते हैं, यहाँ किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। अब हमारी इतनी बड़ी खोज है, आप देखें कितने सारे रोगियों का, रोगों का हनन हो जाएगा घर में ही बैठे बैठे, कितने सारे रोगों का हनन हो जाएगा और कितने सारे लोग सुखी हो जाएंगे। तब इतने हॉस्पिटल कहाँ भाई, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, डॉक्टर ये कह रहे हैं, सरकारें कह रही हैं हम स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं, मनु भैया तो बता रहा है स्वास्थ्य क्यों बिगड़ा हुआ है, तब कुछ नहीं कर पा रही सरकार, क्या कौन मान्यता दे रहा है, किसी को कोई मान्यता नहीं दे रहा भाई, सबको अपने अपने पेट की पड़ी है, इतना बड़ा पेट लगाया भगवान ने, इनके पेट तो दिए थे दो दो रोटी खाने के लिए, लेकिन इन्होंने इतने बड़े बड़े फुला लिए हैं, अब उसमें केवल धन बढ़ता है, पेट से रोटी नहीं खाई जाती, अन्न नहीं खाया जाता, धन खाया जाता है, अन्न खाना बंद कर दिया लोगों ने, धन खाना शुरू कर दिया, जो धन खा रहा है वो अन्न खाने के उसको टोटे पड़ रहे हैं, आगे ना टोटे पड़ रहे हैं, डॉक्टर उसको बता रहा है कि तुझे अन्न नहीं खाना है आज के बाद, अन्न तुझे रिएक्शन कर देगा, आए ना समझ में, तो फिर या तो धन खा लो या अन्न खा लो, और अन्न में कोष को पार करना होगा, और वो तो हो गई होगा। जय श्री, जय श्री।